पूरे ऑनलाइन मार्केट का कारोबार लगातार बढ़ता दिख रहा है। भारत में लोग अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आए दिन खरीदारी करते रहते हैं, लेकिन साल 2020 में इन ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने रिलायंस रिटेल लिमिटेड का जियो मार्ट आ रहा है। जी हाँ, जियो मार्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए कंपनी ने जियो टेलीकॉम यूजर्स को जानकारी देना शुरू कर दी है। बता दें कि कंपनी ने जियो मार्ट को देश की नई दुकान का नाम दिया है। जानकारी के अनुसार जियो मार्ट की शुरुआत पहले मुंबई के नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण से होगी। जियो मार्ट को लेकर रिलायंस के आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। बताया गया है कि आने वाले कुछ समय में जियो मार्ट को लेकर कई जानकारियां जारी की जाएंगी। इसी को लेकर एक अधिकारी ने कहा कि हमने जियो मार्ट को लॉन्च कर दिया है, इसके लिए जियो यूजर्स को डिस्काउंट के लिए रजिस्टर करने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। मौजूदा समय में ये 3 जगह पर ही उपलब्ध है, लेकिन जल्द ही इसका विस्तार किया जाएगा। जियो मार्ट ऐप भी जल्द ही लॉन्च की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले 12 अगस्त को हुए AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि रिलायंस जल्द ही किराना बाजार की सूरत बदलने जा रही है। रिलायंस की योजना है कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन टू ऑफलाइन ई कॉमर्स बाजार बनाया जाए। रिलायंस ने इसे न्यू कॉमर्स का नाम दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।